नेक्स्ट गाइस ये है मड़ुआ का हलवा, नहीं बोल सकते लपसी। तो ये बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है, पता नहीं एक तो गर्मी ऊपर से सब गर्म गर्म चीज़ें निकलेगा। तो ये बनाई है चाची अभी, इसमें जीरा वगैरह डाल करके। क्या होता है मम्मी मड़ुआ का हलवा खाने से? पेट साफ होता है और पेट का जो है इसमें रखो सब कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिससे पेट साफ हो, लेकिन और इसमें जीरा डाला हुआ है। जीरा का हलवा भी बनता है ना। क्या हुआ यार, तू बड़ी नौटंकी कर रहे, क्या उतना है, छोटा सा कटोरी लाइट दे रहा है। आपको दूसरी गली बुआ से, बड़ी बुआ से, छोटी गली बुआ या बड़ी गली बुआ का अलग काम है। दवा तो अच्छा खाए थे, दवा में कोई कमी नहीं था, लेकिन ऐसी दवा बहुत हार्ड थी, वही ब्लास्ट कर दिया डॉक्टर ने, ब्लास्ट कर दवा दे दिया था, ब्लास्ट कर गए पूरा फॉर्म में। आज छोटी वाली बुआ आई थी जो कि सीमान में ही रहती है साल में, अरे पास में रहती है तो आई ही नहीं, हर समय आ सकती है, हम तो थोड़ा हैप्पी हॉट के हैं तो थोड़ा टाइम से आएंगे। तो आप भाभी भी तो आई, कैसा लगा बबली? बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ है देख करके। और कुछ आशीर्वाद सा दीजिए दंतागड़ा वाला? अरे बहुत अच्छा, वो जिए हमारा भी उम्र उसको लगे। और आप उस दिन नहीं थी पता है, कितना रो रहे थे पापा उसके लेके उसको हाथ में। अरे भाई किसी को रोवाई आने लगेगा, कहे से कि एक तो बेटी बहन चली गई उसकी, तो उसके जगह पर तो काई है ना, हां ये तो नहीं नहीं आई है। आप सब मस्त हो गया? अरे मस्त होगा, आप कुछ पार्टी वार्टी का कुछ बताइए कब होगा? नहीं पार्टी होगा नहीं, जरूर होगा पर कुछ दिन के बाद, सबसे बड़ी बुआ है। छोटी बुआ देखिए पार्टी के नाम पे कट ली, नहीं के मेरी ई आगे बाहर दिमाग होटल में पार्टी है, बुआ बड़ी वाली आ गई, अब बोलती पार्टी में ये नहीं बड़ी है, बहुत बढ़िया। तो अब हम मिलवाते हैं, अब हम मिलवा देते हैं उनकी बड़ी मम्मी से जो कि मम्मी ही है। तो अब आप बताइए, आप तो बहुत इमोशनल हो जा रही थी उस दिन, और ये भाई किसी को इमोशनल देना, दो बार आई गई फिर आई फिर गई, बहुत थकावट हो गया था धूप में, उतना धूप में आई है गई है, नहीं ये तो इतना जल्दी जल्दी सब हुआ था। और अब बताइए आपको, आप सब ठीक लग रहा है ना? किसका है? अच्छा लग रहा है। जैसे तो ये मम्मी आती नहीं है, बड़ी मम्मी इनकी, पर हम जबरदस्ती इसमें ला रहे हैं, आई बोल देती है ना रहने दीजिए क्योंकि इसकी थोड़ा सा वो हो जाती है। चलिए अब हम आप मिलवाते हैं इनके भाई से, आज नहीं बोलना है कि बाद में बोलेंगे वक्त। और अब बात करवाते हैं हम चाची से। चाची जी तो आप लोग पहचान गए होंगे, दुनिया का चाची हो गई है। हलवा बनाने के वक्त आप क्यों नहीं बोल रही थी? हलवा वाली चाची है। कैसा लग रहा है पोटी पूछने में? अच्छा लग रहा है। लड्डू का भी पूछ रही थी अभी, कुछ आशीर्वाद? हजार साल नहीं जी में, बाप हजार कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं तो चलिए बहुत बढ़िया। और अब बात करवा देते हैं मम्मी से, क्योंकि मम्मी का तो एकदम मतलब रो रो के बुरा हाल हो जा रहा था, उधर दीदी रो रही थी, इधर मम्मी रो रही थी, तो सब लोग बोल रहा था कि लड्डू से बात करनी है उसके ब्रदर से, तो याद है लेकिन याद नहीं है। AIR8603 है, बस एक मिनट तुम्हारे घर क्यों नहीं है बेटा?
तो अब आप लोगों को बता देते हैं लड्डू कि मम्मी क्या बोलती है इस पे, और मम्मी का तो भाई अलग ही हाल हो गया था। और दर्द बढ़ता है, हमको तो लग रहा है लड्डू से ज्यादा दर्द सही है इसमें, बहुत ज्यादा जल्दी हो गए थे। बारह बजे से कहे बाबू ने तो 3 दिन तक ना दर्द था, पहले बार था तो हमको सब दर्द में लग रहा था, दर्द इसमें हम उतना बर्दाश्त कर रहे थे कि तो छोटा हो गया। और जैसे ही आया ना आवाज, तो ही हम लोगों को सबसे पहले बोलती बोल के गया डॉक्टर, लक्ष्मी जी आ गई। अब आपको बात करवा देते हैं मम्मी से। और मम्मी अब सब लोग एकदम मस्त आ गया है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे घर लक्ष्मी जी आई हैं। और ये मेरा सपना बहुत दिनों से था कि एक मेरा नाती हो गया है, एक नतनी हो। सो इट्स फाइनली अभी सब लोग आ चुके हैं और नहाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं अब जाऊंगी नहाने, हेयर वॉश करने, और मेरे साथ साथ फिर बनी भी नहाएगी। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं बुबनी के आने से, और बहुत सारे लोगों ने लास्ट व्लॉग में मुझे बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी लड्डू के पापा आए नहीं हैं तो वो थोड़े देर में ही आएंगे, बट उसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी सब लोग आए हुए हैं और दीदी लोग भी आए हुए हैं। तो अब ये रूम थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या है, रूम पूरा क्लीन होगा, मेरा बेड भी अभी यहाँ से हटेगा। वैसे बहुत दिन तक भी ऐसे रखते हैं, लेकिन डेट पड़ जाता है तो साइज के हिसाब से पहले ही नहला देते। और अब पहले के टाइम की जैसे हुआ नहीं है कि घर में बच्चा अगर होता है तो उतने दिन बराते हैं, बट अब हम लोग का हॉस्पिटल में बेबी वगैरह हो गया है तो उतना झमेला नहीं होता है। तो अब थोड़ा मैं फ्री हो जाऊंगी कि चलो नहा लिया, क्योंकि 2-3 दिन से इतनी गर्मी में नहाए भी नहीं हम लोग, तो बस इंतज़ार कर रहे हैं। 1:30 बज गया है, अब मैं बस खाना खाऊंगी, खाना खा के फटाफट से नहाएंगे हम लोग कुछ मीठा डाल के मुंह में, और उसके बाद से आगे का जो भी फंक्शन है, रिचुअल है, वो दिखाएंगे। और हाँ, मैंने बहुत कुछ लिया भी है देने के लिए, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैं दे रही हूँ, ले रही हूँ। और उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे घर में तो छुटका पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो अभी जो भी खाना पीना बनेगा उसका वो हो रहा है कि क्या क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, और कितना करना है, क्योंकि छठियार तो अभी नहीं होगा, छठियार तो अब बाद में भी कभी भी हो सकता है, 1-2 महीना 6 महीना के बाद भी। लेकिन फ़िलहाल खेड़ी जुड़ेगा, तो जो भी खाना बनता है, पापड़ तिलौड़ी बनेगा कि नहीं ये कन्फर्म कर रहे हैं हम लोग, बाकी चावल दाल सब्जी बनेगा। मेरे चक्कर में बाकी लोग भी नहीं नहाए, अभी नहाऊंगी फिर सब लोग धीरे धीरे नहाएंगे। दिंदी का आ गया, अब मेरे ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि चाची बहुत अच्छी है, तो चाची सही बहुत नहीं कि आप बहुत कर रही हैं, इतना कोई नहीं करता, तो वो बात मुझे भी पता है, क्योंकि चाची मेरे पहले बच्चे में भी बहुत की है, मतलब उतना कोई भी नहीं करता है, तो इसीलिए चाची को भी थैंक यू क्या बोलूँ मैं, चाची हैं बस मेरे लिए, और इधर ही बैठी हुई हैं। बाकी सब लोग थोड़ा नहा धो लेंगे तब कैमरे में लेंगे सबको, क्योंकि सब ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि कैसे भी मुंह उठा के डाल दिया। तो ब्लॉग को लंबा नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।